लाइन ग्राफ टॉपिक है। द लाइन ग्राफ शोज थेफ्ट्स पर 1000 व्हीकल्स इन फोर कंट्रीज बिटवीन 1990 एंड 1999। बहुत सौखे तरीके नाल लिखना सिखाउना, बड़े तरीके नाल। सब तो पहला नंबर ते आपां नूं लिखनी पौगी इंट्रो। ते इंट्रो नूं लिखण दा मतलब की है, द लाइन ग्राफ। ते कदे भी ग्राफ दा नाम चेंज नहीं करना, द लाइन ग्राफ। डन। शोज, शोज दा सिनोनिम लिखना अपने सारे ने डिपिक्ट्स, डी ई पी आई सी टी एस, डिपिक्ट्स। थेफ्ट्स पर 1000 व्हीकल्स, मैंने लिखा थेफ्ट्स पर 1000 व्हीकल्स, व्हीकल्स लिख देना, चलो व्हीकल्स इन पूरे दिता है ना फोर कंट्रीज, पूरे फोर कंट्रीज दिता है सारे नु पता ना मैं की करूंगा ना, पूरे इन फोर कंट्री की जगह पे मैं लिखूंगा इन ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस ते कैनेडा। मैं चारे कंट्रीज दे थे नेम लिख देने हैं। इथे दिता होया बिटवीन, जो बिटवीन होंदा है तो आप चेंज करके फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम। ते जो बिटवीन दे ईयर तो बाद एंड होंदा होंदा है ते फ्रॉम 1990 गौर नाल देखो। मैं लाइन ग्राफ नू, लाइन ग्राफ पूरा लिखता, शोज दा सिनोनिम मैंने डिपिक्ट्स लिखता, थेफ्ट पर 1000 व्हीकल मैं लिखता, थेफ्ट पर 1000 व्हीकल जिदा मैनू सिनोनिम नहीं आता मैं डायरेक्ट लिखता, इन फोर कंट्रीज लिखा मैं फोर कंट्री जगह फोर कंट्री के नेम दिए भी ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस से कैनेडा देता, बिटवीन की जगह से फ्रॉम, बिटवीन के हमेशा एंड आता होंगे, फ्रॉम के हमेशा टू आता होंगे। इंट्रोडक्शन जिन्हें भी तुसी टास्क करोगे वन सारे की इंट्रोडक्शन सेम होंगी है, दिस इज अवर रूल नंबर वन। रूल नंबर टू की है, आप चेक करने के ट्रेंड उपर गया ते केड़ा ट्रेंड नीचे आया, ते आओ आपा इनू भी बहुत अच्छे तरीके नाल क्लीयर करिए। कंपैरिजन है, बहुत अच्छे तरीके नाल पढ़ाऊंगा जी। थेफ्ट पर व्हीकल 1000 जितने दिते हुए, ठीक है। 1990-1999 ग्रेट ब्रिटेन की पतली लाइन है। ते एक गल होर सुन लियो, ये 15 ते 20 मैनू नहीं पता ये 18 या 19 है, मैनू नहीं पता, तो ये मेरे को वर्ड होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। लिख लो प्लीज अप्रोक्सीमेटली, जा इहदी जगह एक वर्ड लिख लो अबाउट। ये उदों यूज करने ने वर्ड जदों तुहाडे कोले एक्यूरेट नंबर ना होवे, अप्रोक्सीमेटली या अबाउट या अराउंड या नियर बाय, ये चार मैं तुहानू कनेक्टर देते, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, अराउंड ते नियर बाय। ये चार कनेक्टर का मतलब की है कि आपां नूं ये पता होगा कि आपां किहड़े तरीके नाल चलना है, किवें किवें करना है। आओ देख रहे हैं, हुण चार लिख लिया तुहाने, ठीक है। मैं शुरू देखो किवें करूंगा, मैं देखिया भी ये लगभग 18-19 तो चलिया, उपर गया नीचे गया, उपर गया नीचे गया, मतलब मैं ये देखना चाहना प्रॉपरली, प्रॉपरली भी जिहड़ा आरो है एक ही होया घटिया वधे नहीं क्या घटिया, तो शरिया मैनू पता लग गया भी दिस इज कॉल्ड अ डिक्रीज, ग्रेट ब्रिटेन हो गया डिक्रीज। उस तो बाद मैं देखिया जेड़ा हैगा स्वीडन है, जेड़ा स्वीडन उरे सी उपर गया उपर गया उपर गया, मतलब स्वीडन इनक्रीज हो गया, मैनू पता है वध गया। जिहड़ा कले फ्रांस है ये एवें सी एवें 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 पूरे पहुँच गया। मैं माड़ा चैक करा फ्रांस नूं जी भी उरों चलिया सी, मतलब उरे पहुँचे, तो यह लगभग ना सेम ही रहा, कोई एडा बहुता फर्क नहीं पे इनू, ठीक है। तो रही गल जिहड़ा ये डॉटड है कैनेडा,
कैनेडा भी लगभग सेम ही रहा, कोई एडा बहुता फर्क नहीं है। हुण आपां की करना है, लिखण दा तरीका देखो मैं किवें आपां अपने नूं प्रॉपरली मैच करूंगा। कल्ली कल्ली चीज पढ़ाऊंगा, देखियो मैं लिखिया इंट्रोडक्शन मैंने अपने तरीके नाल कराती, इहनूं कोई लिखण दी लोड़ नहीं हैगी, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके नाल समझाया थोड़ा मैंने। बॉडी वन देखो की लिखिया, टू बिगिन शुरू करते हैं, कहना टू बिगिन करते हैं। कार थेफ्ट्स इन स्वीडन फ्रांस एंड कैनेडा फॉलोड अ फेयरली सिमिलर पैटर्न ओवर द फर्स्ट फाइव ईयर। मतलब की है, इन्हें तिना कट्ठे लिया भी जो स्वीडन है फ्रांस है ते कैनेडा, इन्हें फॉलो करे इको जा ट्रेंड सीगा लगातार पांच साल। देखो ध्यान नाल, एक सेकेंड आ देखो, इन्होंने लगभग पहले पांच साल इको जी रेशो च रहे ने, कोई बहुता उच्चा नीवा फर्क नहीं पिया। All remaining at 5 and between 5 and 10 per thousand, मतलब ये सारे 5 तो लेके 10 per thousand के बीच बीच रहे ने। देखो ये तिने ने जिहड़े पहले 5 साल 5 तो लेके 10 thousand के बीच रहे ने, ठीक है। हुण इस तों बाद देखदे आ किहड़े वधे किहड़े घटे। फिर कहिंदा द जनरल ट्रेंड थ्रू फॉर फ्रांस एंड कैनेडा वॉज अ डिकलाइन इन अ नंबर ऑफ व्हीकल स्टोलन ओवर द पीरियड। जिहड़ा फ्रांस ते कैनेडा है ना, ये डिकलाइन करे ने, घटे ने। जिहड़ा फ्रांस ते कैनेडा की है, इन्होंने डिकलाइन किया है, घटे हैगा ओवर द पीरियड विद बोथ एट, मैं थोड़ा अराउंड वर्ड कराया ना अराउंड, क्योंकि आपां श्योर नहीं है पक्का नंबर, 6 इन 1999। मतलब की हो गया, दोने लगभग छे ते जाके निबड़े ने, ये दोने ने ना। ये केड़े केड़े हुए देखो, एक तो आ जिहड़ा गोल गोल है ये कैनेडा, आ जिहड़ा ते जिहड़ा ये केड़ा है ये फ्रांस। कहिंदा ये दोने ने जिहड़े फ्रांस ते कैनेडा एट द एंड अप्रोक्सीमेटली 6 ते ये जाके खत्म हो गए 1999 दे विच, दोनों नूं दसदे ने। उस तों बाद इन कंट्रास्ट स्वीडन एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड ट्रेंड, जिहड़ा स्वीडन है उन्हें की किया अपवर्ड ट्रेंड फील किया। अपवर्ड किहड़ा ट्रेंड होंदा, जिहड़ा उपर जांदे ने, स्वीडन उपर चल गया। स्टार्टिंग द पीरियड एट अप्रोक्सीमेटली 8, शुरू चो 8 ते सीगा एंड फिनिशिंग एट जस्ट अंडर 15, ते अंडर 15 वो खत्म होया। तुसीं स्वीडन देखो, स्वीडन किहड़ा आ रहा पूरे 10 नंबर है, कहिंदा अप्रोक्सीमेटली 8 तो शुरू होया एट द एंड पीरियड 15 तो नीचे रहा। आपां एक पैराग्राफ दे विच तिन्नां दी गल करिए, एक पैराग्राफ दे विच आपने पहला तो दसता भी जिहड़ा फ्रांस ते कैनेडा वो लास्ट तक इन्नी ते पहुंचे। फिर मैं कहा जिहड़ा स्वीडन है वो शुरू लगभग 8 तो होया सी ते एंड लगभग उहदा 15 तो नीचे नीचे गया। हुण आपां कोल एक ट्रेंड बच गया, ग्रेट ब्रिटेन। Increasingly, car theft in Great Britain started at 18 per thousand. 18 तो लगभग शुरू होया, तुसी एक वर्ड देखियो रे, 18, 18 तो शुरू होया, इन्हें 18 नंबर ले लिया। एक गल होर सुन के मैं रिक्वेस्ट करदा, इन्हें डायरेक्ट 18 पा लिया ना, तुसी नियर बाय पाइयो जरूर, क्योंकि आपां नूं श्योर नहीं हैगा भी 18 या 18.5, पर जदों नियर बाय पै गया तो सारा कुछ चलूगा। तो 18 तो यह कहना शुरू होया, it then fluctuated over the next 9 years, अगले 9 साल तक ये fluctuate होंदा गया। fluctuate का मतलब होंदा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इन fluctuation कहंदे ने, ये fluctuate होंदा गया। reaching a peak of 20 theft per 10,000 in 1996, 1996 दे विच, 1996 आ गया पूरे, तां ये लगभग इन्हें पीक फड़िया 20 दा, ते 20 सब तो उच्चा नंबर सीगा। कहिंदा शुरू यह होया 18 तो, सारे च इन्हें फ्लक्चुएशन करी, तो इहदा सब तो उच्चा नंबर 20 रहा, तो 1996 च रहा। हुण एट द एंड की होया, एट एंडिंग द पीरियड स्लाइटली, मतलब हौली हौली लोअर दैन वेयर इट बिगेन, जिथों शुरू होया सी उत्थे आ गया एट अप्रोक्सीमेटली 17%। बस उही गल है, अजीब दास्ता है, जे जहां शुरू वहां खत्म, कहना भी लगभग उस थां ते पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली 17। तुसीं एक चीज देखो, मैं तुहानूं एक समझाउणा, इन्हां ने की गेम खेडी, एक दे विच तां तिन पैराग्राफ, मतलब कि तिन चीज़ां नूं दसता, ते एक दे विच ने एक चीज़ नूं दसता, ते मैं तुहानूं सलाह दिंदा, तुसीं दो नूं एक च दसो, दो नूं एक च दसो, इहदे नाल की होगा,
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ੋਡ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ੋਡ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਲ ਦਾ ਫੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। Even the highest above the three countries ਲਿਖ ਦੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਬਵ ਥਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਤਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਵਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰੂਗਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ, ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਨ ਤੇ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਓਵਰਆਲ। ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਡੇ, ਨਾ ਈਅਰ, ਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਦੇ ਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ, ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਿਹਾ ਅਬਵ ਥਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਰ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ।